Assalamu alaikum. We're here with a very candid Asad Umar today. वीडियो देखने से पहले हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें. अगर हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें. दो सवाल हैं जिससे असद उमर भाग नहीं सकते. No matter what portfolio you take, one is the economy and the other surprisingly was Karachi, even though your constituency is in Islamabad. Not so much in Tariq Road, but on Twitter, every question that I got asked to ask you was about Karachi. Ke Karachi ka kya hoga? Karachi feels like a political orphan. It seems like PTI's political strategy in Karachi is ke aur kisko jaake vote denge log, chahe wo burger ho ya pul ke us paar ho, they're going to come back to PTI. There's almost a level of complacency. How do you view the situation in Karachi and what the PTI's political strategy here should be? अच्छा, पूरी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी में जब पहले मैं अपना बता देता हूँ मेरा रोल क्या है इस वक्त, बिकॉज उसके ऊपर भी बिल्कुल कंफ्यूजन है. एज मोर देन वन पर्सन इज सेड, वो जब मेरा नोटिफिकेशन निकला था फोकल पर्सन वाला कि जी अब तो कराची के मामलात आप देखेंगे, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ऑफिशियल वो बड़ी स्पेसिफिक है. फेडरल प्रोजेक्ट्स जो कराची में एक्सिक्यूट होने हैं उनकी जिम्मेदारी मुझे दी गई है फेडरल गवर्नमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से. And in the last one month, we have done a lot of work on it. Aage specific sawal puchenge to us pe bhi main bata dunga kya kar rahe. So that's the development agenda. Ab dekhen Karachi ke andar surat-e-haal hai kya. Karachi ke andar constitutionally zahir hai, zameen pe control jo hai, wo usoolan to hona chahiye local government ka, lekin local government ka nizam bilkul मफलूज है सिंध के अंदर, बिल्कुल ही ना बेख्तियार एक मुकामी हुकूमत का निज़ाम है. तो सूबाई हुकूमत के पास तमाम इख्तियारात हैं, तमाम फैसले उनके हाथ में हैं. सो आपकी स्पेस जो है वो कंस्ट्रेंट हो जाती है, लेकिन उसके बावजूद देर आर थिंग्स जिसके अंदर आप इंटरवीन भी कर सकते हैं और मदद भी कर सकते हैं. इसलिए आइडेंटिफाई किए गए थे कुछ प्रोजेक्ट्स जो लास्ट ईयर प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस किए थे और अब मैं उसको खुद पर्सनली फॉलो अप कर रहा हूँ और इंशाल्लाह ताला आपको नज़र आने शुरू हो जाएंगे अगले एक महीने के अंदर, वो चीज़ें चलनी शुरू हो जाएंगी. पहले भी काम हो रहा था लेकिन आई गेस वो शुरू का जो पार्ट होता है स्टडी वगैरह का उसमें ज़रा सा टाइम लग रहा था. सो एक तो वो डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जो हैं हम क्या कर सकते हैं, स्पेशली पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के स्ट्रक्चर के अंदर हम क्या कर सकते हैं, और बहुत गुंजाइश है उसके अंदर मौजूद. सो एक तो वो चीज़ है कि मंसूबे क्या यहाँ पर नज़र आएंगे. दूसरी चीज़ जो है वो ये है कि जो वफाकी इदारे हैं यहाँ पर उनका जो फुटप्रिंट है, मैं आपको मिसाल देता हूँ रेलवेज की. हमारा सिटी स्टेशन है अपना, इसका कैंट का स्टेशन है, प्राइम प्रॉपर्टीज है शहर के अंदर. अगर हम यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट करें तब्दीली, राइट, कराची वालों को नज़र आएगा, लाखों लोग इधर से जाते हैं, एक नज़र आएगा कि आप में डिलीवर करने की कैपेसिटी क्या है. इसी तरीके से मैरिटाइम अफेयर्स मिनिस्ट्री के नीचे KPT पॉडकास्टिंग वाला, ये दूसरे इदारे हैं. इसका बाय द वे रेलवेज का मैं आपको बता दूं, एक बहुत ज़बरदस्त कराची धाबे जी फ्रेट कॉरिडोर के ऊपर काम हो रहा है और बीच में से थोड़ा सा वो हो गया था, मैंने दोबारा उसके ऊपर एम्फेसिस अब डाल के उसको फास्ट ट्रैक हम कर रहे हैं. पैरेलल ट्रैक होगा यहाँ से. इसी तरीके से जो BRT का जो था ग्रीन लाइन वाला, वो आके रुक गया था, प्रोजेक्ट रुका हुआ था, वो फिर मैंने मीटिंग करवाई और उसकी रीएलोकेशन जो थी वो भी करवा दी, और जो इस साल के रिलीजेस ज़रा स्लो चल रहे थे वो रिलीजेस भी करवा दिए. काम दोबारा से उसके ऊपर शुरू हो गया है, बसेस आ रही हैं, स्टेशन ये नुमाइश के आगे जो सब रुकी हुई है वो होपफुली अगले चंद हफ्तों के अंदर वो खोल दी जाएगी, वो कंप्लीशन के करीब है, और 2020 के एंड तक ग्रीन लाइन इंशाल्लाह ऑपरेशनल हो जाएगी. इसी तरीके से K4 के ऊपर मैंने एक से ज़्यादा मुतअद्दिद मीटिंग्स में कर चुका हूँ और उसको भी हम सिंध गवर्नमेंट की पास उसकी रिपोर्ट आ गई है. एक्नेक का मैं उसको चेयरमैन होता था जब मैंने इसको फिजिबिलिटी रिविज़िट करने के लिए कहा था, क्योंकि आपको पता है मैसिव प्रॉब्लम्स हो गए थे, बेतहाशा ओवररन था, प्रोजेक्ट कहीं जा नहीं रहा था. तो नेस्पा की रिपोर्ट आ गई है, वो टेक्निकल कमेटी के सामने रख दी गई है, सिंध की, सिंध गवर्नमेंट की, उनके व्यूज़ आ जाएंगे, फिर हमारे पास फेडरल गवर्नमेंट के अंदर आएगी. तो K4 के भी कुछ डिसीजन मेकिंग करवाते हैं, उसके अलावा अल्टरनेट क्या हो सकती हैं वाटर सप्लाई की स्कीम उसके ऊपर भी देख रहे हैं. सो बहुत सारी चीज़ें हैं कराची की जो की जा सकती हैं. जो नहीं किया जा सकता मैं वो भी बता दूँ, कराची के अंदर गली मोहल्ले के अंदर आप सफाई कर देंगे, आप पानी के डिस्ट्रीब्यूशन का निज़ाम इधर में
وہ جس وقت تک صوبائی حکومت جو ہے وہ نہیں کرے گی نا, یہ نہیں ہو سکتا. تو بہت ساری یہ پولیس کا نظام کراچی کا صوبائی حکومت ہی ٹھیک کرے گی اگر کرنا چاہے, وہ وفاقی حکومت نہیں کر سکتی. تو یہ لمیٹیشن ذہن میں رکھتے ہوئے جو ہمارے اختیار میں ہے وہ تو ہم نے کر کے دکھانا ہے نا, اس کی فکر ہم کیوں کریں گے جو نہیں کر سکتے, جو کر سکتے ہیں وہ تو کر کے دکھائیں. میں آپ کو یہ بھی بتا دوں, میں کوئی اور پاکستان کا شہر نہیں ہے, عمران خان بھائی دی بھائی اسلام آباد سے بھی الیکٹ ہوئے ہیں, رہتے اسلام آباد کے اندر ہے, آج سے کوئی 20 سال ہو گئے تقریباً وہ اسلام آباد کے رہائشی ہیں. کوئی اور پاکستان کا شہر نہیں ہے جس کے بارے میں عمران خان نے مجھ سے, جب کوئی میڈیا نہ ہو کمرے کے اندر, اکیلے وہ اور میں ہوں, جس کے بارے میں انہوں نے کہا اسد کراچی کے لیے کچھ کرنا ہے. اتنا ان کو اس کا لٹرلی بوجھ ہے ان کے کندھے پہ, کچھ کراچی کے لیے کرنا ہے. سو کمٹمنٹ میں کوئی دو رائے نہیں ہے, وہ نہیں, وہ یہ نہیں بیٹھ رہے سوچ رہے کہ کہاں جائیں گے, وہ کہہ رہے ہیں کہ کچھ کر کے دکھانا ہے. از دیر آلسو اے لمیٹیشن دین, کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں دیر سم تھنگز یو کین ڈو اینڈ سم تھنگز یو کین ناٹ, بٹ یو کین بی اے مور فیئرسر اپوزیشن ٹو دس. دیٹس دی ادر تھنگ میں نے ان کو بولا, یار اس میں تو ہمارے سے مقابلہ نہیں کر سکتا یار, جو ہمارے ایم پی ایز ہیں سندھ اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے, ان کو ایز اپوزیشن کا پریشر تو ڈالے نا, آپ اپوزیشن کا پریشر ڈالیں, کم سے کم جو سندھ گورنمنٹ جو نہیں کر رہی وہ ان کے لیے. تو انفارچونیٹلی اسلام آباد سندھ کی پالیٹکس جو ہے وہ بڑی آسانی سے ڈیوائڈ ہوئی تھی, ایک ریپرزینٹیو انٹیریئر سندھ کا, ایک ریپرزینٹیو اربن سندھ کا, ٹینشن کریٹ کرتے رہے, ایک دوسرے کو گالیاں لگاتے رہے, دونوں کا ووٹ بینک انٹیکٹ. سو وہ ہم نے اس کو ہیلنگ کا کردار ادا کرنا ہے, ہم نے اس کو بہتری کی طرف لے کے جانا ہے, اور صرف